दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऐसे मजेदार साइकोलॉजी फैक्ट्स के बारे में जिन्हें सुनने के बाद आपके मुंह से सिर्फ यही निकलेगा, वाओ इट्स अमेजिंग। दोस्तों आज की वीडियो में हम फिर से आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करने के लिए आ चुके हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं साइकोलॉजी फैक्ट नंबर 1। दोस्तों अगर कोई इंसान किसी ऐसी चीज में पैसा इन्वेस्ट करता है जिसमें उसे मजा आता है तो उसे रिग्रेट बिल्कुल फील नहीं होता। लेकिन दोस्तों अगर कोई बुक्स या कोई कोर्स हुआ तो उसे खरीदते वक्त लोग हिचकिचाते हैं और कई बार सोचते हैं। साइकोलॉजी फैक्ट नंबर 2। दोस्तों जिद, गुस्सा, गलती और अपमान। दोस्तों अगर ये चीजें कोई इंसान स्वयं करता है तो वह यह सोचता है कि वह अपनी जगह सही है और वह जो कर रहा है बिल्कुल सही है और उसे कोई समझ नहीं रहा। यही चीज है अगर कोई व्यक्ति उसके सामने करे तो उस इंसान को बहुत बुरा लगता है और उसे बहुत चुभता है। यह बिल्कुल उसी तरह हुआ कि हमें अपने खराटों का बिल्कुल एहसास नहीं होता, अगर कोई दूसरा खराटे ले रहा होता है तो हमें बहुत अटपटा लगता है। साइकोलॉजी फैक्ट नंबर 3। दोस्तों आप यह तो जानते होंगे कि लड़कियां लड़कों के मुकाबले बहुत ज्यादा इमोशनल होती हैं और उनकी आंखों में जल्द ही आंसू आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपने कभी सोचा है कि लड़कों के आंसू जल्दी क्यों नहीं आते या वो जल्दी इमोशनल क्यों नहीं होते? दोस्तों साइकोलॉजी का यह कहना है कि लड़कों के अंदर यह नेचुरल क्वालिटी है, क्योंकि दोस्तों नेचर ने लड़कों को बनाया ही ऐसा है कि उन्हें जिम्मेदारियां संभालनी ही पड़ती हैं। बस यही कारण है कि लड़के किसी प्रॉब्लम के टाइम जल्दी से इमोशनल नहीं होते। लेकिन दोस्तों साइकोलॉजी यह भी कहती है कि अगर किसी स्थिति में लड़के रो दें या इमोशनल हो जाएं तो उस स्थिति में लड़कों को संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल भी हो जाता है। साइकोलॉजी फैक्ट नंबर 4। दोस्तों क्या आप यकीन करेंगे कि बिना लड़ाई झगड़े के भी आपके दुश्मन बन सकते हैं? नहीं ना, लेकिन दोस्तों ऐसा होता है। अगर आप किसी के सामने सच बोल दो या किसी इंसान के सामने उसकी बुराइयां गिनवा दो तो वह इंसान आपका दुश्मन बनने में देरी नहीं करेगा। साइकोलॉजी फैक्ट नंबर 5। दोस्तों क्या आप जानते हैं जब कोई लड़का नया नया प्यार में पड़ता है तो उसका फ्रेंड सर्कल बहुत कम हो जाता है? ऐसा इसलिए होता है कि वह लड़का अपने दोस्तों पर ज्यादा टाइम नहीं देता और उस लड़की के पीछे लगा रहता है। बस यही कारण है कि उस लड़के का फ्रेंड सर्कल कम हो जाता है और उसके कम से कम 2 दोस्त तो उससे अलग हो ही जाते हैं। साइकोलॉजी फैक्ट नंबर 6। दोस्तों क्या आप यकीन करेंगे कि आप साइकोलॉजी के माध्यम से यह भी पता लगा सकते हैं कि अगला इंसान सच बोल रहा है या झूठ? जी हाँ दोस्तों, साइकोलॉजी यह कहती है कि जब इंसान बोल रहा हो तो उसकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। दोस्तों जब कोई इंसान बात करते समय अपने हाथ ज्यादा हिलाता है या मूव ज्यादा होता है तो इसके अधिक चांस हैं कि वह इंसान सच बोल रहा है। लेकिन दोस्तों अगर कोई इंसान एक जगह स्थिर होकर कोई बात कह रहा है या बिना हिले डुले कोई बात कह रहा है तो इसके चांस ज्यादा है कि वह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। साइकोलॉजी फैक्ट नंबर 7। दोस्तों साइकोलॉजी कहती है कि हर किसी को अहमियत देनी जरूरी है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे ज्यादा अहमियत आपको किसी चीज को देनी भी नहीं चाहिए। पहला है अपने आप को, दूसरा अपनी फैमिली को, तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट अपना करियर। साइकोलॉजी फैक्ट नंबर 8। दोस्तों आपने लव या प्यार का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन आखिर यह होता क्या है? साइकोलॉजी में इसका भी एक रीजन है, क्योंकि दोस्तों लड़के और लड़की का एक दूसरे की ओर आकर्षित होना एक केमिकल रिएक्शन होती है। साइकोलॉजी फैक्ट नंबर 9। दोस्तों क्या आप मेडिटेशन करते हो? नहीं भी करते हो तो इस साइकोलॉजी फैक्ट को आपको जानना चाहिए। दोस्तों एक रिसर्च में पाया गया है कि अगर आप 6 हफ्ते तक लगातार मेडिटेशन करते हो तो आपका दिमाग शांत होने लगता है, लेकिन दोस्तों अगर आप 8 हफ्ते तक लगातार मेडिटेशन करते हो तो आपका दिमाग की सोचने की क्षमता इतनी बढ़ जाती है, अगर आप किसी चीज को पाने के लिए प्रयत्न करोगे तो ज्यादा चांसेस होंगे कि वह चीज आपको मिल जाए। तो इसीलिए आज से मेडिटेशन करना शुरू कर दें। साइकोलॉजी फैक्ट नंबर 10। दोस्तों साइकोलॉजी कहती है यदि आपको कोई इंसान हर्ट करता है या किसी चीज से आप हर्ट हो जाते हो, आपके अंदर जो इमोशनल दर्द होता है वह मात्र 12 दिन तक रह सकता है। लेकिन दोस्तों बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि खुद ही सोच सोच कर उस दर्द को 12 दिन से ज्यादा बढ़ा लेते हैं और उनकी यह अवधि बढ़ती रहती है। लेकिन दोस्तों इमोशनल पेन सिर्फ 12 दिन तक ही रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको बताए कुछ साइकोलॉजी फैक्ट्स के बारे में। लेकिन दोस्तों अगर आपको पहले से कुछ साइकोलॉजी फैक्ट्स के बारे में पता था तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको किस साइकोलॉजी फैक्ट के बारे में पहले से पता था। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है या थोड़ी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी तड़कती फड़कती नॉलेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।